हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली। कैसे हो आप सब लोग? तो आज है एक सैटरडे, मतलब आज का एक सेकेंड ना दिनों बाद आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया है। सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉगिंग के लिए, बट एनीवे आज है सैटरडे, तो मैंने सोचा आज एक फुल डे ब्लॉग करते हैं। तो अभी सुबह के टाइम है, तो बज रहे हैं 8:30। तो अभी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बस अभी हो रहा है चाय। गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम सो सॉरी, कल मैंने ब्लॉग किया था, आज ही संडे, मैंने ब्लॉग को सैटरडे को कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज कियान का जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। डोंट वरी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, वो एक्चुअली उसका दांत आ रहा है, तो मतलब बेबीज़ के जब ये सब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रंकी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसको बुखार था, उसको मम्मा और पापा दोनों चाहिए थे। तो हमने फिर ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू नहीं किया, तो आई थॉट के क्यों ना आज करूं, क्योंकि आज मैं फ़िश बना रही हूँ, रोहू फ़िश, जो कि बहुत ही मतलब डिलीशियस होता है। थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर मतलब पेस्ट दे के, तो आई थॉट कि लेट्स शेयर दिस रेसिपी विथ ऑल ऑफ यू जो भी नॉनवेज खाते हैं और स्पेशली फ़िश लवर हैं। और कियान अभी ठीक है, अभी उसको मैं नहला के उसको रेडी कर दिया है, तो वो अभी दूध पी रहा है, उसके पापा उसको सुला रहे हैं। तो अभी चलिए हम अपना डिश बना लेते हैं, पहले हम फ़िश को फ्राई करते हैं। तो फ़िश फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल बिठा दिया है फ्राई करने के लिए, और मतलब वो गर्म भी हो गया है, तो अभी हम उसमें डालेंगे फ़िश। ये थोड़ा सा ऊपर आता है ऑयल, तो मैं फटाक से उसको डाल के थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उसका जो ऑयल है वो ठीक हो जाता है। मसाला मैंने डाला है पीसने के लिए, इसमें है ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, टमाटर, और मैंने यहाँ पे थोड़े से मस्टर्ड सीड को, ब्लैक मस्टर्ड, आप वाइट मस्टर्ड भी ले सकते हो, तो इसको मैंने सोक करके रखा था एक दो घंटा, आप 15-20 मिनट भी सोक करके फिर ये सब मिला के आपको एक पेस्ट बनानी है इसका।
जीरे का पाउडर बस। ये गरम पानी जो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि गरम पानी से इसका स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें हम डालेंगे एक ड्राई मैंगो, हम इसको आंबुला बोलते हैं उड़िया में। ये बेसिकली जो कच्चे आम होते हैं ना, तो उसको सुखा के, नमक के साथ सुखा के, काट के सुखा के, फिर उसको ड्राई करके स्टोर करके रखते हैं, इसको ड्राई मैंगो भी बोलते हैं। इसको भी डालना है। और अभी हम थोड़ी देर के लिए लीड बंद कर देंगे। अभी ये जितना बॉईल होना था पानी बॉईल हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे फिश के पीसेस। मैंने कुछ फ्राइड पीसेस रखे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राइड पीस खाना बहुत अच्छा लगता है। बस इसको ढक के 3 मिनट के लिए ऐसे बॉइलिंग में छोड़ के। और यहाँ पे मैं फ़िश करी के बाद बना रही हूँ प्रॉन मलाई करी। तो मेरे पास कोकोनट मिल्क तो नहीं है, बट मैं नॉर्मल मिल्क से कैसे बनाऊँगी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कुछ नहीं, बस हल्दी और नमक के साथ थोड़ा सा मैरिनेशन किया था प्रॉन को। तो इसको अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई करेंगे, हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें शैलो फ्राई ही अच्छा लगता है मलाई करी में। तो आपको बस 2 बार पलट के उसको मेक श्योर करना है कि प्रॉन थोड़ा सा कच्चा ना रहे, थोड़ा सा ऐसे शैलो फ्राई हो जाए। उसके बाद हम उसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वो प्रॉन मलाई करी के मसाले के लिए मैंने मिक्सी में पीसने के लिए दिया है यहाँ पे ऑनियंस, मतलब प्याज को थोड़ा सा ही आप देना, मैंने यहाँ पे हाफ लिया है। थोड़े से जिंजर अदरक जिसको हम बोलते हैं, और मैं उसके साथ लूँगी थोड़े से गार्लिक। यहाँ पे गार्लिक आपको बहुत ही कम लेना है। और मैंने लिया है ग्रीन चिल्ली, यहाँ पे ग्रीन चिल्ली का कलर ऐसा ही है, बट ये ग्रीन चिल्ली ही है। और उसमें मतलब थोड़ा सा ग्रेवी को अच्छा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आलमंड्स एंड कैश्यू नट्स। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉन है वो फ्राई होके रेडी है। तो उसका जो ऑयल वगैरह उसके साथ हमें उसको निकाल देना है, बाद में उसी ऑयल में हम उसको कुक करेंगे। तो बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा प्रॉन का। तो यहाँ पे मैं उसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल में डालूँगी, और हम उसी पैन में करेंगे क्योंकि जिसमें आप फ्राई करते हो प्रॉन, उसी पैन में अगर करते हो तो उसका टेस्ट जो है वो मतलब दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, और उसमें मैंने एक तेज़पत्ता, दालचीनी और इलायची वगैरह देके, मतलब जिसको हम खड़े गरम मसाले बोलते हैं, देके थोड़ा सा शुगर भी दिया था मैंने। तो जब वो सब क्रकल हो जाए तो उसमें मैं यहाँ पे जो हमने मिक्सी में पीस के रखा है तो वो मसाला मैंने दिया है, आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने कैश्यू दिया है तो उसका कलर, मतलब उसका जो थिकनेस है वो कैसा, मतलब बहुत अच्छे से आ रहा है। तो उस मसाले में हमें अभी देना है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने प्रॉन को फ्राई करते वक्त भी थोड़ा सा नमक दिया था। तो यहाँ पर आप देख के अपने हिसाब से नमक देना। बस यही सब डाल के हमें अभी इस मसाले को अच्छे से भूनना है। इसमें मेक श्योर करना कि इस वाले जो मलाई करी है इसमें हम टमाटर नहीं डालते हैं, इंस्टेड हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। तो दही डालने के बाद आपको लो फ्लेम में इसको पकाना है, अगर आप लो फ्लेम में नहीं करोगे तो ये फट जाएगा, मतलब चांसेस हैं फटने के। और 5 मिनट उसको अच्छे से भूनने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क, दूध। मेरे पास कोकोनट मिल्क नहीं है, अगर आपके पास है तो यू कैन ऐड द कोकोनट मिल्क हियर इंस्टेड ऑफ दिस काउ मिल्क। उसके बाद में अच्छे से इसको, क्योंकि ये जो हम मिल्क डाल रहे हैं ना, ये टेक्सचर को बहुत ही अच्छा बनाएगा मलाई करी का। तो आपको ये डालने के बाद ज़्यादा भूनना नहीं है, तो उसमें आपको डाल देना है वो प्रॉन और उसके जो फ्राइंग करते हुए जो ऑयल बचा था वो, और ये सारा आपको अच्छे से मिलाना है
जब तक के प्रॉन के अंदर ये जो पूरा मसाला है ये अच्छे से घुल ना जाए तब तक हमें इसको मिलाना है। और मैं हमेशा ऐसे जो होता है उसमें करी उसमें गर्म पानी देती हूँ, तो आप मेक श्योर करें कि आप गर्म पानी ही दें ताकि आपका जो ग्रेवी है वो मेंटेन होके रहे, ऐसा ना लगे कि पानी पानी हो गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस गर्म पानी आप ये अपने हिसाब से दे सकते हो डाल के, मैं इसको कवर लीड लगा के कवर करके मैं 5 to 7 minutes कुक करूँगी। और देखिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देख रही हूँ, मैंने उसमें एक्चुअली एक ग्रीन चिली भी स्लिट करके डाल दिया था, तो मेरा प्रॉन मलाई करी रेडी हो गया है खाने के लिए। हाय गाइस, तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा लंच हो चुका है, अभी बज रहे हैं 4 और कियान का लंच टाइम के बाद वो नहीं सो रहा था, थोड़ा सा कार्टून एंजॉय कर रहा था। अभी उसको मैं सुला के आई हूँ किचन, क्योंकि आज कुछ एक अलग स्नैक्स बनाने को मन है, तो सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूँ। बनाना केक ऑफ कोर्स विदाउट एग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी एंड ये मैं बनाऊंगी विदाउट माइक्रोवेव, क्योंकि मेरा जो ओवन है वो उसमें बेक अच्छा नहीं होता है, शायद वो ग्रीन वाला दिया है ओनर ने, तो उसमें बेकिंग वगैरह नहीं होता है अच्छे से, तो मैं आज करूंगी विदाउट ओवन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे देखिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 बनाना, तो इसको हम पील करके अच्छे से कट कर लेंगे और डायरेक्टली मैं इसको मिक्सी में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को इसको पीसना है। सेम और एक को हो गया है, उसमें मैं डालूंगी 3/4 कप शुगर और इसको अच्छे से मिक्सी में चला देंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल जिसमें वो बनाना एंड शुगर का मिक्सचर को हम निकाल देंगे। अच्छे से पूरा मिक्सचर निकाल दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, इसको आपको अच्छे से फोल्ड करना है। मैदा को मैंने मतलब एक छन्नी से स्टेन कर लिया था तो वो पार्ट स्किप हो गया, आप वो ज़रूर करना ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है वो निकल जाए। अभी आपको इसको अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, फिर इसमें डालना है मुझे 1/2 कप ऑयल। ये ऑयल बहुत हेल्प करता है बनाना केक को अच्छे से होने में, कुक होने में और अच्छे से निकल के आने में, तो इस पार्ट को आप स्किप मत करना। आप चाहो तो बटर भी दे सकते हो। अभी इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फोल्ड करना है। ये एकदम ऑप्शनल है कि आप उसमें थोड़ा सा नट्स भी डाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा आलमंड्स डाले हैं, मेरे पास आलमंड्स हैं तो मैंने थोड़ा सा आलमंड इसमें डाल दिया है। फिर आपको एक ग्रीस ऑयल से ग्रीस किया हुआ एक मोल्ड लेना है, यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर आपको उसमें ये अच्छे से डाल देना है। मैंने यहाँ पे एक पैन को प्री हीट किया है 5 to 7 minutes के लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, जो मोल्ड में हमने डाला है मिक्सचर उस मोल्ड को यहाँ पे डाल देंगे और इसको ढक के लो टू मीडियम फ्लेम में 30 to 40 मिनट तक इसको बेक करेंगे।
मैंने यहाँ पे चेक किया, पर मुझे लगता है कि और थोड़ा सा वो होगा तो 5-10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे उसको लो फ्लेम में। और अभी मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से हो गया है, बस आपको दिखाने के लिए मैं इसको ओपन किया था। अभी उसको हम स्टैंडिंग टाइम देंगे 10 से 15 मिनट, उसी के अंदर ऐसे कवर करके उसको रख देंगे गैस का फ्लेम ऑफ करके। और देखिए मेरा केक जो है आफ्टर 15 मिनट्स ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया था, तो ये नेचुरल कलर ही आया है, जो बनाना का जो कलर है वही वाला कलर आया है। तो आप चाहो तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो, फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। और इसको अभी मैं कट करूँगी, और क्योंकि ये टी टाइम के लिए मैंने बनाया है तो चलिए इसको हम इंजॉय करते हैं थोड़ा सा चाय के साथ। पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी हुआ है, बहुत ही अच्छा था गाइस, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, आपके पास जो कुछ भी है घर में आप बना सकते हो उसी से। सो चलिए लेट्स इंजॉय द बनाना केक विद द टी। तो जिंजर टी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ डिनर टाइम के टाइम, तब तक के लिए इंजॉय करने दीजिए मुझे अपना चाय। अभी ये डिनर टाइम, तो अभी डिनर में हो रहा है मेरे घर में अंडा तड़का। तो मैंने चना दाल को भिगो दिया था 2 घंटा, फिर उसको मैंने बॉईल कर दिया है थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ। तड़का के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने एक पैन में, उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने फ्राई करने के लिए दिया है। आपको बस इसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसमें जिंजर गार्लिक, क्रश जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ, और एक ग्रीन चिली को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था तो उसको भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिली को नहीं भी डाल सकते हो, बट ये डालने से बहुत ही स्वाद जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और आपको अच्छी तरह से इसको मिलाने के बाद आप इसमें थोड़े से मसाले, पाउडर्ड मसाले ऐड कीजिए, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आपको और 2 मिनट के लिए इसको सॉटे करना है। उसके बाद आप उसमें डाल सकते हो मीट मसाला, ये ऑप्शनल है, पर ये डालने से उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही निखर के आता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है गाइस, यू कैन ट्राई वंस एट लीस्ट। तो इंस्टेड ऑफ गरम मसाला मैं हमेशा मीट मसाला यूज़ करती हूँ, नहीं तो चिकन मसाला यूज़ करती हूँ। और अभी मैं उसमें डाल दूँगी एक छोटा साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। तो अभी इसको हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक टमाटर पूरी तरह से गल ना जाए मसालों के साथ। तो अभी मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी, और अभी आप देख सकते हो कि टमाटर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और भी ये थोड़ा सा होगा। फिर हम ये प्रोसेस के बाद हम वेट करेंगे। 2 अंडा मैं इसमें डाल रही हूँ, और मेरा टमाटर भी गल गया है, तो उसमें अभी आप ऐसे डायरेक्टली 2 एग को क्रैक करके ऐसे डाल दीजिए, और जैसे आप भुर्जी बनाते हो ना ठीक उसी तरह से इसको अच्छे से फ्राई कीजिए, जब तक कि आपका जो अंडे का जो रॉ स्मेल है ना वो चला ना जाए, क्योंकि अगर ये रॉ स्मेल नहीं जाएगा और आप दाल को इसमें ऐड कर रहे हो तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तो देखिए मेरा भुर्जी जो है पूरा रेडी हो गया है, अच्छा भी दिख रहा है और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रही है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने जो चना दाल को भिगो के फिर बॉईल किया था थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ, अभी उसमें हम डाल देंगे दाल। और आप इस वाले रेसिपी में पानी अपने हिसाब से दीजिए जितना आपको चाहिए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा रनी नहीं चाहिए था इसलिए मैंने, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ज़्यादा पानी तो नहीं दिया है, बस थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, वो भी गर्म पानी। अब हमेशा रेसिपीज़ में गर्म पानी ऐड कीजिए गाइस, यू कैन मेक द डिफरेंस वेरी इजीली। आप जब ठंडा पानी देते हो ना तो आपका ग्रेवी जो है वो अलग हो जाती है, और मसाला मतलब वो चीज़ों से अलग हो जाते हैं, पर अब जब गर्म पानी से कुछ भी चीज़ करते हो ना तो मसाला आपका अच्छे से बाइंड होके रहती है, तो पानी पानी नहीं लगता है। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी,
और साइड में मैं बना रही हूँ प्लेन डोसा, क्योंकि आज के डिनर में मेन्यू यही है हमारा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 बना चुकी हूँ और ये लास्ट बना रही हूँ हम दोनों के लिए। और साइड में मेरा जो तड़का है वो रेडी हो गया है। तो इसमें अभी मैं डालूँगी कसूरी मेथी, थोड़ा पानी और कसूरी मेथी। आप चाहो तो इसमें ऐसे बिना पानी दिए भी खा सकते हो, और चाहो तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है आप क्या करोगे। आप जैसे भी करोगे, इसको ग्रेवी बनाओगे तो भी बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा पानी डालोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, और इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिला रही हूँ, ताकि जो मसाला, पानी और अंडा, सब कुछ अच्छे से, दाल सब कुछ ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने इसमें एक्चुअली कसूरी मेथी का पाउडर डाला है, तो मैंने कसूरी मेथी को जो मार्केट में मिलता है उसको थोड़ा सा फ्राई कर दिया था तवा में। फ्राई करने के बाद उसमें उसको थोड़ा सा पीस लिया है और उसको एक डब्बे में रख दिया है। तो वही मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहो तो डायरेक्टली कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। और देखिए बन के रेडी है हमारा डिनर। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। तो हम अभी एंजॉय करेंगे हमारा डिनर। लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। Oh.